कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे, है ना? सब लोग अच्छे हैं ना? वेरी गुड। और ऐसे ही आपको अच्छे रहना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। आज हम क्या करेंगे? आज हम पाठ 5 चलो उठ चलें के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? तैयार है आप लोग? स्टार्ट करें? चलिए चलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ और अपना वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको ये काम जो है किसमें करना है? अपनी कॉपी में करना है। और कैसे करना है? आपको बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में करना है, अच्छा सा, ठीक है? पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है और फिर उसके बाद उत्तर लिखना है सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और फिर उत्तर लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको प्रश्न लिखना है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। इसी तरह से आपको अपना वर्क पूरा करना है और कॉपी में करना है, ठीक है? सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप सब अपना वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। मौखिक प्रश्न क है, बच्चे उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? बच्चे उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? आप सबने ये कविता याद कर ली ना, की है ना याद? हाँ, तो बच्चे उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? बच्चे उड़कर फूलों की घाटी में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? फूलों की घाटी में। प्रश्न ख है, मौखिक का प्रश्न ख है, वहां फुलवारी देखने कौन आता है? वहां का क्या मतलब है यहाँ पर? फूलों की घाटी में, यानी फूलों की घाटी में फुलवारी देखने कौन आता है? कौन आता है? देवलोक से परियां आती वहां देखने फुलवारी, है ना? ये लाइन है ना वहां पर? तो देवलोक की परियां वहां फुलवारी देखने आती हैं। कौन आती है? देवलोक की परियां। ये है प्रश्न लिखित का क। फूलों की घाटी में तितलियां क्या करती हैं? क्या करती हैं तितलियां? फूलों की घाटी में तितलियां झूमती हैं। झूमती है ना, तो फूलों की घाटी में तितलियां झूमती हैं। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है और जिस तरह से मैंने बताया है आपको वैसे ही करना है। प्रश्न लिखने के बाद आपको वन लाइन लीव करनी है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है और फिर उसके बाद में उत्तर लिखने के बाद में आपको फिर से वन लाइन लीव करके प्रश्न लिखना है और इसी तरह से अपने प्रश्न और उत्तर लिखने हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।